Allahu 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 Allah. अब ये पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम आएगा कैसे, इसके स्टेप्स क्या होंगे? हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा वल्लाहु आलम, लेकिन मेरी समझ में जो बात आई है, लगता ऐसे है कि अब इस कौम को हम सब उसमें शामिल हैं। मैं कोई किस लोगों को अलग नहीं कर रहा ख़ुद से, या अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अल्लाह माफ़ करे हम इनसे बेहतर हैं या किसी से अल्लाह माफ़ करे, हम सब उसमें शामिल हैं। अगर हम नहीं समझे तो अल्लाह की तरफ से मार पड़ने वाली है। जब मार पड़ेगी तो पाकिस्तान के हालात इस कदर ख़राब हो सकते हैं, इस कदर ख़राब हो सकते हैं कि दुनिया ये समझने लगे कि पता नहीं पाकिस्तान बचेगा भी या नहीं। और उन हालात में मुझे ये लगता है कि अभी तो हम शोर मचा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं, बट ठीक है, खाना मिल रहा है ना, रोटी मिल रही है ना, रोज़ जॉब को जाते हैं ना, टीवी घर में आ रहा है ना, बिजली चल रही है ना, पानी आ रहा है, गैस है, ठीक है, पेट्रोल चलो ठीक है, थोड़ा सा महंगा से ही मिलता तो है, चीनी की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है फिक्र करने की। फिर जब मार पड़ेगी ना, दीवार से लगाए जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, फिर इस कौम को रियलाइज़ होना है कि ओ ये जो बोल रहा था ना, ये शायद कुछ सही कह रहा था। मैं नहीं जोर दे रहा कि भाई मुझे बिलीव करें, मैं लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अल्लाह से ज़रूर मांगें कि ये हक है या नहीं। तो फिर जब मार पड़ती है, फिर लोग रियलाइज़ करते हैं कि ज़रा गौर तो करें इसकी बात पे क्या क्या रहा था। फिर लोग रियलाइज़ करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आ चुका था, अल्लाह के बंदे अपने पैगाम पहुंचा रहे थे, और अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आ रहा है ड्रीम्स की फॉर्म में, और जिस तरह मैं पहले अपनी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को भेजा है, मोहम्मद कासिम जिनका नाम है, वो यकीनन वल्लाहु आलम मेरी समझ के मुताबिक मुस्तकबिल में इमामुल महदी हो सकते हैं। उनकी बात के ऊपर फिर गौर करने लगेंगे लोग, फिर लोग रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा इनका जो मैसेज था वो सही था। और जब लोग उनकी बातों पर गौर करेंगे, समझने लगेंगे और उस मैसेज को एक्सेप्ट करने लगेंगे, फिर अल्लाह ताला की रहमत आएगी और फिर अल्लाह ताला इस कौम को गाइड करेगा कि इस मुल्क में इस्लामिक निज़ाम कैसे बनाओ। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा कि वो इस मुल्क की लीडरशिप संभालें, और वो अल्लाह ताला की तरफ से चुने हुए बंदे होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको अपॉइंट किया जाएगा, और फिर वो यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम और इस्लामिक खिलाफत कायम करेंगे। और मेरी समझ में यही आता है कि ये मोहम्मद कासिम की ड्रीम्स की गाइडेंस में होगा। और फिर वो जो पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनेगा, उसके अंदर वो लोग होंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, मुखलिस होंगे, अल्लाह ताला के बंदे होंगे, और उनका मकसद और मुद्दा सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की खुशनुदी होगा, ना कि कोई ज़ाती मकसद। और उनके लिए ये देखें, इस्लाम का उसूल ये है कि मांगने वालों को ओहदा नहीं दिया जाता। आज़ा सल्लम के पास दो लोग आए और उन्होंने कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ओहदा या जिम्मेदारी मांगी, तो आप सल्लम ने फरमाया कि हम मांगने वालों को ओहदा नहीं दिया करते, आओ कमा कौल। फिर इसी तरह एक और रवायत से हमें पता चलता है कि आप सल्लम ने फरमाया कि अगर तुम तलब करोगे ओहदे को तो हवाले कर दिया जाओगे, लेकिन अगर तुम तलब ना करो और वो तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाए तो मदद किए जाओगे। तो वो लोग होंगे जो ओहदे को तलब नहीं करते होंगे, उससे बचते होंगे, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते होंगे, उससे खुद को हटाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उनके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। और क्योंकि वो तलब नहीं करते होंगे, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी, वो हुकूमत नहीं चाहते होंगे, लिहाजा उनकी इस हदीस के मुताबिक, अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक उनकी मदद की जाएगी, और फिर अल्लाह काम संभालेगा। इंसान तो कोई काम चला नहीं सकता, फिर अल्लाह काम संभालेगा, फिर हुकूमत भी चलेगी, फिर निज़ाम भी चलेगा, फिर कर्ज़ा भी उतरेगा, फिर अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। अल्लाह ताला इंसानों के, पाकिस्तानियों के जहनों को खोल देगा, उनके ईमान को बढ़ा देगा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि वो वक्त दिन दूर नहीं है। और ये मैं कोई स्टेटमेंट नहीं कह रहा कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट टाइप नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ चंद बरसों में वो दिन आएंगे
कि पाकिस्तान में कोई गमगीन और कोई परेशान नहीं रहेगा, और वो हम अपनी आंखों से वो सूरत देखेंगे कि अकेली जाने वाली औरत के ऊपर कोई गलत निगाह नहीं डालेगा, और हम अपनी आंखों से वो निज़ाम देखेंगे कि जब किसी की जरूरत नहीं होगी, कि अगर सोने की किसी की दुकान भी खुली हुई कोई छोड़कर चला गया तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसके तरफ मैली आंख भी उठाकर देखे, और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान से सूद का खात्मा होगा, इस्लामी सज़ाएं नाफिज होंगी, और एक वेलफेयर स्टेट इस्लामिक वाकई में रियासत मदीना बनेगी, मदीना सानी बनेगा, और वह वाकई मदीना सानी होगा कि जिसमें उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो रात को गश्त पर निकलते हैं और क्या देखते हैं कि एक कुटिया से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, इस्तफसार करते हैं तो मां बताती है कि मैं अपने बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं, क्योंकि उमर ने कहा है कि वजीफा बच्चे का दूध छूटने के बाद मिलेगा। उमर अल्लाह से डर जाते हैं और ऐलान फरमा देते हैं कि उमर गलती पर था, अब हर पैदा होने वाले बच्चे को वजीफा मिलेगा चाहे उसका दूध अभी ना छूटा हो। वो वेलफेयर स्टेट के पैदा होते ही बच्चे को हुकूमत उसकी जिम्मेदारी उठा रही है, किसी बीमार की जिम्मेदारी उसकी जेब पर नहीं डलेगी, किसी गरीब के घर फाका नहीं होगा, किसी के घर बच्चा भूखा नहीं रोएगा, और ये वो मुल्क बनेगा, वो मदीना सानी बनेगा कि दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगी कि इसकी तरफ मैली आंख उठाकर देखे, और फिर वो वाला मामला हो जाएगा कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद के मानिद है कि अगर किसी जिस्म के एक हिस्से को भी तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बुखार और तकलीफ में मुबतला हो जाएगा। फिर यह मामला होगा कि फिर यहां से अल्लाह के जवान निकलेंगे, मोहम्मद अरबी के गुलाम निकलेंगे, और मशरिक वस्ता में हिजाज मुकद्दस को और मुसलमानों के जो खोए हुए इलाके हैं उन सबको बाजियाब कराएंगे, फिर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होना शुरू होंगी, और इंशाल्लाह हम वो वक्त बहुत जल्द देखेंगे। और इन और ये सब बातें बताने का मकसद यह है कि इससे पहले कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों जो भी देखते हैं इसको बाद में भी और जो भी सुन रहे हैं, मैं इल्तजा करता हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अल्लाह के लिए जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अल्लाह की तरफ से मार पड़ने लग जाए, फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, वत्तकु फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, फिर उस फितने से, उस अज़ाब से डरो कि जब वो आ जाता है तो फिर सिर्फ उन लोगों पर नहीं आता कि जिन्होंने जुल्म किया होता है, फिर वो हर एक को रगड़ देता है, फिर हर नेक और बद उसका शिकार हो जाता है। तो लिहाजा मेरे और आपके लिए भी वक्त है, हमारे पास अमन है, हमारे पास सुकून है, ठीक है कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अल्लाह से तौबा कर लें, शिर्क से बचें, और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं कि वो हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए।